अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि सिम वाला रिसीवर रिस्टोर होने के बाद पैकेज वाले चैनल क्यों नहीं चलाता। तो अक्सर ये हो जाता है कि यह रिस्टोर हो गया है और ये चैनल फिर नहीं चला रहा। फ्री टू एयर तो चल रहे होते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये पैकेज वाले हैं, ये सिम बॉक्स रिसीवर चलाता है इनको। इनमें डीएस कैम होता है, सीसी कैम भी डाली जाती है अलग से प्राइवेट। तो ये चैनल सब इस पर वर्क करते हैं। मेरे पास अभी डिश नहीं लगी हुई, वरना मैं आपको इसको चलाकर भी दिखाता। तो चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो मैं इसको कर रहा हूँ अभी रिस्टोर। ये देखें, ये मैं रिस्टोर, ये हो गया है रिस्टोर। तो अब देखते हैं कि अब कौन सी सेटिंग लगी हुई है। तो सबसे पहले आपने यहां आकर मेन्यू प्रेस करना है। मेन्यू के बाद आपने ये देखें इधर नेट पे ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये चौथे नंबर पर जो ऑप्शन मौजूद है, मेन मेन्यू, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद चौथे नंबर पर जो ऑप्शन है उस पर ओके करना है। तो यहाँ देखें ये वाईफाई पर लगा हुआ है। तो इस तरह आपके सिम वाले चैनल जो सिम लगी हुई होती है उस पर नहीं चलते। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने GPRS ओके कर देना है। ये देखें, और उसके बाद अपने नीचे वाले ऑप्शन में चला जाना है। यहाँ पर आपको ऑटो लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने इस पर टिक मार्क लगाना है। ये देखें, ये रेड ऑप्शन आ गया, इस पर मार्क का निशान। तो इस तरह आप रिसीवर जब भी ऑन ऑफ करेंगे तो बार बार आपको ये इसका IP मसला नहीं करेगा। जब ये ऑटो होगा तो ये खुद ही उठा लेगा, वरना मैनुअल आपको करना पड़ेगा इसका IP की सेटिंग। तो इस तरह आपकी GPRS की सेटिंग होगी तो ही आपके पास सिम वाले चैनल चलेंगे। तो मैंने रिस्टोर कर दिया, फिर इसे ट्यून करके या USB से चैनल आप डाल लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन रिस्टोर होने के बाद ये हो जाता है। हर सिम वाला रिसीवर जो मार्केट में आया हुआ है, ये 1506 वाले हैं या कोई और, वो वाईफाई के मोड पर चले जाते हैं। तो GPRS लाजमी लगाना चाहिए, उसके बाद आपके चैनल चलेंगे जो भी आपने सिम लगाई हुई है। अगर आपने वाईफाई लगाया हुआ है तो फिर मसला नहीं है, जितने बार रिस्टोर करें तो वो वाईफाई ऑटो वाईफाई पर चला जाएगा। तो उसके बाद भी वाईफाई का आपने कोड अटैच करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।